You're listening to the podcast that you clicked on. That is the Bharatiya Janata Podcast. Jai Shri Ram. Jai Jai Shri Ram. Suno Ram Katha aur Jai Bolo Shri Ram Ki. Folks, welcome to the latest episode of Bhajpod. Spiritual episode of Bhajpod. We are recording this 2 days after the Ram Raja 2.0 of the temple. Temple. Yeah, 2.0 nahi hai na. This is just like matlab aise beta update aaya na. The mandir banega tab 2.0 hoga. Ha, ye matlab. ये क्यों किया? लॉन्च पार्टी थी बेसिकली। आई थिंक मोदी जी नॉट लॉन्च पार्टी, सेल्स किक ऑफ टाइप का था, मतलब कि हम ये सब आगे जाके होगा। नहीं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो और रंगारंग कार्यक्रम हो सकता था अगर एक साल बात करते हैं ऐसा कुछ। हाँ, आई थिंक यार यू आर राइट, मोदी जी वाज बोर्ड, मतलब अब यार गेम खिला लिए, सब करा लिया, क्या करें, इतना कुछ हुआ है। पैंडेमिक के बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। योगी जी दे नहीं पाते एंटरटेनमेंट। हाँ, योगी जी थोड़े लैकलस्टर हैं यार, वो ना सीधे या तो एकदम विलेनस टाइप हो जाते हैं। मतलब वो थोड़े वो फकीर ही नहीं है योगी जी। आइडिया ऑफ एंटरटेनमेंट इज मगरमच्छ के सामने फेंक दो। अंदाजा पर अपना का वो भरत मिलाप वाला सीन याद है तुम लोग को? राम और भरत, वो टोपियां याद है, वो जो गोल्डन वाली टोपी है, वही टोपी पहनते हैं। हां, वही वैसे ही पहने थे। हां हां हां, ये सुना तुम लोगों ने? समवन सेड दैट मोदी जी जो फेस मास्क पहन के वो टोपी पहन के चल रहे थे ना, एक फोटो है उनका, someone has said that ये हनुमान जी की तरह लग रहे हैं। The problem is कि मोदी जी हनुमान है या राम है, है क्या? भाई apparently वो दशरथ हैं, जिस तरह से जो मीम्स और वो सब दिख रहे थे। भक्त यार, भक्तों ने बोला है, ये भक्तों को मोदी जी ने सब दिख गया, सब पूरा रामायण दिख गया। भाई तुझमें रब दिखता है। भक्तों को मोदी जी में राम दिखने चाहिए, अमित शाह में लक्ष्मण दिखने चाहिए, हनुमान दिखना चाहिए, राहुल गांधी में रावण दिखना चाहिए। लकी अपने रावण तो उसमें दिख गया ना, ओवैसी में। हाँ हाँ, तो राहुल गांधी क्या है फिर? मेघनाथ, नॉट न्यूजीलैंड वाला नहीं। और वो विभीषण भी था ना एक। विभीषण कौन है? ये अपने हुकुम सिंधिया, 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 हाँ, टाइगर, टाइगर दंदर, हाँ। वो अच्छा, वो विभीषण क्योंकि उसने राम को ज्वाइन कर लिया था। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं मेरे दिमाग में लोग रावण था। हाउ डेयर आई मैं उद्धव ठाकरे को विभीषण समझ गया था, समझ रहे हो ना? तो तुमने राम को उल्टा समझ लिया ना, असली दिमाग खराब। मैं नहाऊंगा इसके बाद एपिसोड करके। काला वाला वर्जन तुमने लगता है दिल पे ले लिया था बेसिकली। वो तो अच्छा, सीता का तो इसमें भी कोई रोल नहीं है फिर। नहीं, सीता को नो आई हैव अ प्रॉब्लम, सीता को लेकिन स्मृति ईरानी बना दिया उन लोगों ने। हाउ दैट इज वियर्ड, दैट इज वेरी वियर्ड, राइट? स्पेकुलेट नहीं करते, बट देखो सीता, मतलब देखो सीता हो या बॉलीवुड की हीरोइन हो, किसी को भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है? आई मीन कोई मिल गया में प्रीति जिंटा थी, पार्ट टू में प्रीति जिंटा थी, पार्ट थ्री में उसको फर्स्ट सीन उसको मरा दिखा दिया, और क्योंकि नहीं, वो तो जनरेशन आगे बढ़ गई ना, वो तो जनरेशन तो आगे, मतलब ऐसी भी अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रही, बट ऐसी भी मूवीज याद है मुझे जिसके पार्ट टू में हीरोइन कोई और रैंडम है, पार्ट वन का पूरा प्यार ही भूल गए उसका। सीरियसली, इज इट जस्ट लाइक की स्टोरी अलग है, जैसे सिंघम एक्चुअली। हाँ लेकिन सिंघम में, हाँ तो यार अब यार I don't know, लेकिन उसमें क्या स्टोरी
वैसे जो है ना, सवाल सिंघम का नाम सिंघम क्यों है? जैसे जैसे सिंघम तमिल से रिमेक किया है, तमिल में सिंघम क्या बोल रहे हैं भाई? तमिल में सिंघम होने का कोई मीनिंग नहीं है, तमिल में शेर को सिंघम बोलते हैं, लेकिन सिंघम क्यों नाम होगा किसी का महाराष्ट्र में? नहीं, उसका नाम तो बाजीराव है ना, तो सिंघम क्यों है? मतलब नाम तो तुम दे सकते हो ना भाई, हो सकता है अभिनंदन सेकरी टाइप का होना, मतलब उसके डैड हो सकता है कि सिंघम हो और मॉम मात्रे हो, बट सिंघम का जो टाइटल ट्रैक है ना, मेरे को अभी तक उसके लिरिक्स नहीं पता है, मुझे बस टेम्पो पता उसका, तो मैं ऐसे कुछ भी सज्जनता में निश्चित सिंघम मन भावन पल पावन सिंघम इस टाइप का कुछ भी पता नहीं क्या लिरिक्स है उसका भाई, ये क्या मतलब ऐसे इतने जेन्युइनली पूछ रहा है जैसे कि मतलब पता ही होगा हमें सिंघम के लिरिक्स। आई हैव अ एनेक्डोट अबाउट दिस सॉन्ग। तो दिस इज लाइक माय वेरी फर्स्ट प्रॉपर मतलब ऐसे ट्रिप इन द यूएस, क्योंकि सिंघम आ चुकी थी राइट 2009-10 में समथिंग। तो दिस वाज लाइक मी एंड माय फ्रेंड, मतलब दो तीन हम लोग थे, एंड पहली बार लाइक इंटर्नशिप के थोड़े पैसे आ गए हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कैलिफोर्निया में रोड ट्रिप करेंगे टाइप का ऐसा किया। वी रेंटेड अ कन्वर्टेबल मस्टैंग, ठीक है, उसको पार्किंग लॉट से निकाला, ऑक्स केबल लगाया, द वेरी फर्स्ट सॉन्ग हाईवे पे चल रही सिंघम। वो सब तो ठीक है, अयोध्या पे आओगे कि नहीं? ओ सॉरी सॉरी, तो माफ करना, थोड़ा इधर उधर निकल जाता। मतलब कन्वीनियंट भी है कि राम जी जो है वो अयोध्या में पैदा हुए, सोच लो कि अगर इस्लामाबाद पैदा हुए तो क्या होता, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सब कुछ। अरे अब तो उन्होंने वो इंडोनेशिया और थाईलैंड जहां जहां पे अयोध्या नाम की जगह है, इंडोनेशिया में भी है शायद, अयोध्या नाम है उस जगह का, तो शायद वहां का प्लॉट भी यूनिवर्सल स्टूडियोज की तरह शायद एक हाथ खुल जाएगा। फ्रेंचाइजी नेपाल में भी है सुना है। राम राज्य इंडोनेशिया, राम राज्य नेपाल, नेपाल कैंपस, इंडोनेशिया कैंपस। I don't see the joke here. हेडक्वार्टर्स होंगे अयोध्या में। अयोध्या जो यूपी वाला अयोध्या, वो लॉर्ड्स है, समझ रहे हो? वो मक्का है। I'm sorry. Oh no. Sorry, sorry. क्या है कि कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ। But on that topic, काबा भी तो आकर शिवजी का ही है, तो वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया है इस पॉडकास्ट में। शिवजी का तो भाई, शिवजी स्वयं भू है, तो सब कुछ उनका ही है। स्वयं भू इज व्हाट, लाइक खुद को खुद ही बनाते हैं, मतलब बॉर्न ऑफ नथिंग मींस हु क्रिएटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ नथिंग। ओ, मेरे को ये सब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा यार, बट तुम्हारा लगता है ग्रास्प कम है बेटा। महाभारत का पूरा टाइटल ट्रैक बी आर चोपड़ा का आता है, गाके सुना दूंगा। कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, सार्थ की, मैं इससे हमेशा पूछ रहता हूँ, वो किस में आता था फिर? मैं समय हूँ, वो इसी में आता था भाई, महाभारत गाने के बाद आता था। हाँ, ओके, राइट राइट, ही इज द अमीनसानी ऑफ महाभारत बेसिकली नरेटर। पुर में जब गिल्ली डंडा का टूर्नामेंट चल रहा था, उसी वक्त कुरुक्षेत्र में एनआईटी था, सॉरी जी याद नहीं किया था। ऑन द सेम बकर काफी होगी, बट कई लोग ऐसा कह रहे हैं, कई जो यू नो एंटी इंडियन लोग हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज लाइक द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो नो, दिस इज नॉट द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, कब की मर चुकी हो मुन्नी, मेरी बहन मुन्नी, तो तू मर गई, लंबू आटा ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की टीवी को लंबा कर दिया। तो नहीं निशांत, तुम कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, दिस वाज द सेलिब्रेशन ऑफ द डेथ ऑफ, मतलब दिस वाज लाइक द बरसी, निशांत नहीं मतलब, या बट दे सेलिब्रेटेड लाइक अ बर्थडे। तो इसमें सवाल जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि मोदी जी को, मतलब अगर मोदी जी एक साल बात करते तो और ज्यादा रंगारंग कार्यक्रम हो सकता था, मामा आ सकते थे। हाँ, बहुत लोग आ सकते थे, मतलब दोनों अमित अंकल और मोदी जी के पापा भी आ सकते थे। अंबानी अंकल कौन है? मोदी जी स्वयं कौन है? बॉस मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस कौन है? कौन है मेरा बॉस? अंबानी
ओ मुकेश भाई बोल रहे थे क्या? हाँ और क्या। ओ हाँ तो सूत्रधार जो है उनको नहीं बुलाया, लेकिन सूत्र की धार कौन पकड़ा हुआ है इस पूरे इसका इवेंट? सूत्रधार को एजिज्म हो गया उनके साथ भाई। अडवाणी तो वो निशान ने बोला था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, गोगो जैसा हो गया, हाथ को आया मुंह ना लगा। बट डू यू बिलीव दिस थ्योरी कि जो मोटा भाई हैं, मोटा भाई को कोरोना एक्चुअली हुआ नहीं है, बट इज अफ्रेड कि हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से नकली कोरोना कर लिया। और भाई मेरा तो दूसरा थ्योरी है रिलेटेड बट थोड़ा सा अलग, बोलूं क्या? वही ना कि अभी क्योर हो जाएगा इसकी वजह से। नहीं वो तो है बट नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू थिंक अबाउट इट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स अमित शाह हैज बिकम बिग, bigger than in not size wise like stature wise like bigger than ki nazron mein bhi, logo ki nazron mein, yes. Aur modi ji ko to pata hi hai ki is jungle mein survey ki share hai modi ji hai, to mujhe aisa lagta hai ki modi ji ne phone kiya amit ko ki dekho amit ye jo 5 august ko ho raha hai dekho amit tum agar ghar mein reh sako to acha hoga ab, but that's the मतलब ओके गो ऑन विद योर थ्योरी। नो नो सो माय थ्योरी इज दैट मोदी जी बेसिकली मेड श्योर दैट ही सीम्स टू बी द ओनली लाइक गाय एवरीवेयर ड्यूरिंग दिस इवेंट एंड दैट इज व्हाई एंड देयर वाज नो लाइक गुड वे टू काइंड ऑफ मेक अमित शाह नॉट कम। सो यार आई डोंट गेट इट व्हाई, बिकॉज सीधे होने ही का क्यों, मतलब इफ दैट वाज द केस तो ये बोल देते ना कि कुछ सिम्टम्स हैं कुछ हैं, मतलब सीधे पॉजिटिव ही बोल दिया। अरे उसको एक टीम से दो शिकार होते हैं ना, फिर पॉजिटिव है, मान लो कि मैं तो ये कहता हूँ अमित शाह को कोरोना नहीं है, ठीक है, और अमित शाह दो हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा, तो अमित शाह बोलेगा देखो मुझे ठीक हो, मैं ठीक हो गया, मतलब कोरोना इज नॉट दैट बिग अ डील। हां ये या दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, मतलब दिस इज मोर प्लॉजिबल देन, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि भाई आई समहाउ हैव दैट इंप्रेशन कि द रियल मतलब द गाय हु डज द डर्टी वर्क इज मोटा भाई, तो मतलब धमकी इधर से मिल सकती है बट गो ऑन। हां मतलब धमकी इधर से मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू उधर से, यू सी व्हाट आई एम सेइंग, दे आर गिविंग वे टू मच क्रेडिट टू थैंक यू जयेश। हां नरू ओ ये कहीं वो तो नहीं है मकबूल जैसा? ओ माय गॉड नाउ आई गेट इट। नहीं पर मुझे थोड़ा सा बुरा अडवाणी जी के लिए लगा, अडवाणी जी ने इतना रायता फैलाया इतने साल इतनी बकेट, मतलब दैट्स द बेसिकली मतलब ये वही हो गया ना कि रिज्यूम में फिर स्पेशलिटी तुम्हारी लिखी है कुछ और मतलब किसी और को दे दिया, मतलब स्पेशलिटी तुम्हारी, एक्सपीरियंस तुम्हारा, यू वर लिटरली लाइक एट वन पॉइंट यू वर द सीईओ ऑफ दैट कंपनी एंड इस टाइम दे जस्ट मतलब भाई ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है, टीम गांगुली बनाता है वर्ल्ड कप धोनी जाता है भाई ऐसे ही होता है। और तुम गांगुली अडवाणी के लिए खराब लग रहा है, मुझे तो राम जी के लिए खराब लग रहा है, मतलब राम जी के लिए क्यों खराब लग रहा है, मतलब हैजंट ही बीन ओवरशैडोड? आई मीन डूड द होल थिंग इज सो बेसिकली not skirting around the thing, this is all about Modi ji, right? That's why Amit Shah, like my theory ki Amit Shah ko nahi aane diya ki because he wants to be like there should be Ram, there should be Modi, and people should see Ram and Modi, aur koi nahi dikhna chahiye, order ulta, there should be Modi and then there should be Ram. He has a very good sense of occasion. And Ram or Modi kaun? Ram, Harry Potter, Zeus, kuch bhi bol lo, बट मोदी नोज कि भाई पब्लिक का ऐसे काट सकते। अभी अब ऐसा हो गया मेरे भाई, जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कह रहा था कि आज की डेट में मोदी बेसिकली हैज द सेम इन्फ्लुएंस दैट गांधी हैड इन द 1930s। एग्जैक्टली इट्स जस्ट दैट हाँ इट्स लाइक सी अगेन मतलब गांधी जी ने गांधी का जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज वेरी डिफरेंट, बट इट्स काइंड ऑफ लाइक द होल्ड बेसिकली द मतलब हिप्नोटाइज जो कर रखा था गांधी ने, दैट्स द सेम आसाराम बापू प्रीमियम। अबे अबे गिरा देता है तू, आसाराम बापू बोलता है मोदी जी को, एक्चुअली दाढ़ी वैसी हो रही है, बट स्टिल आई मीन
आई जस्ट फील लाइक, देखो एक चीज तो तुमको क्रेडिट देना पड़ेगा राइट, इतने सालों से बीजेपी बोलती है हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बीजेपी ने किया, और आज भी मैं यही बोलता हूँ, और अपना बहुत लंबा, निशान तू कल बिजी था, मेरा और आदित्य का बहुत लंबा चौड़ा चैट चला अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि हाउ टू, आई डोंट नो इफ यू रेड इट और नॉट, बट हाउ टू काइंड ऑफ टेक ऑन बीजेपी इफ यू आर लाइक द ऑपोजिशन इन इंडिया. बेसिकली what is true is that BJP at this point, to me at least, seems the only political party in India that, however heinous, however much we hate that, they stand for something. You know what they stand for, and you if you're voting for them, you know what you're voting for, right? And a large section of that population doesn't care about their economic ruin. As long as you get them these things. और मंदिर भी क्या, मतलब तुम लोग अगर देखो सोशल मीडिया पे, और बेसिकली दे मेड दैट ओकेजन अबाउट बर्नौल, लाइक रियली लाइक, या दे वर, दिस वाज नॉट सेलिब्रेटिंग कि मतलब इतने साल बाद, दिस वाज नेशन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, मतलब समथिंग अपेरेंटली व्हिच वाज रॉन्ग लाइक 500 इयर्स अगो वाज करेक्टेड, एंड ऑल दे कुड थिंक अबाउट वाज कि मतलब वी ओन द लिबरल्स टुडे, तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ सैड लाइफ दे हैव. But then they deserve it. But here's the thing. Here's the thing that, I mean, there are many complicated questions that come out of this whole situation, and we don't claim to like have answers for them. But here's the thing. They are delivering on what they are promising to their constituents. And this is a fuel that will continue burning forever, right? Because the villain is fictional in their heads, right? It's an imaginary villain. So the thing of avenging something, quote unquote, is never going to end, right? Because that fictional villain will keep extending to another situation and another situation. So that's the evil genius of this whole plot. Ki the fact that तुम्हारे लिए अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है एंड इट्स लाइक ऑल अबाउट द एक्ट ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड राम और वॉट एवर, जो भी है, फिक्शनल है नहीं है, वो तो हम लोगों का पर्सपेक्टिव है, अगर तुम्हारे दिमाग में है तो व्हाई डू यू फील द नीड टू जस्ट गो एंड रब इट ऑन टू समवन एल्सेस फेसेस. सो बर्नौल, तो तुम्हारा इतना ही पॉइंट है क्या कि मतलब सामने वाले को जाके तुमको, इट वॉज नेवर अबाउट राम, इट वॉज नेवर अबाउट राम, इट वॉज जस्ट कि इनको दिखाते हैं. That's it. अब वो मतलब वो as Raj said, मतलब वो राम भी हो सकता था, वो हैरी पॉटर भी हो सकता था, कुछ भी. नहीं, but the entire point is कि ये इसके साथ खत्म इसलिए भी नहीं होगा कि fictional devil के लिए तो तुम you can continue creating imaginary devils, right? तो that's their genius. Yeah. And there is no end to it. It is limitless, as opposed to tangible problems, जिसका ओके आज ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया, देन व्हाट एल्स डू यू वोट फॉर. यार आम आदमी पार्टी के इसमें आई थिंक महराज मेंशन्ड दिस वंस ऑन न्यूज़ लॉन्ड्री, राइट, वेयर से योर प्रॉमिसेस आर नॉट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड टेंजिबल्स, लाइक रास्ता बनाया, सड़क ठीक कर दिया, पानी दे दिया, बिजली दे दिया, खत्म. ये खत्म होने के बाद जो वॉइड बनता है, बीजेपी इज एबल टू फिल इन बिकॉज देयर आइडिया ऑफ एन एनिमी इज लिमिटलेस, दे विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वन एंड अनदर वन. Muslims nahi to kal they'll go after churches, then you never know ki Goa mein they'll go after churches, you have no idea what they can do. Yeah, so here's the thing, and this has been like, there have been multiple studies and multiple like across the globe, and it is fairly clearly understood that most people, if not all people, vote based on emotional appeal rather than policy positions. This whole idea of this whole, एक पूरा प्ले जैसा है जहाँ पे हम पॉलिसीज की बात करते हैं और बोलते हैं कि हम इससे अग्री नहीं करते, वो नहीं करते, पब्लिक परसेप्शन और इमोशन पे वोट देती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर परसेप्शन और इमोशन पे वोट देते हैं और बीजेपी इज द पार्टी ऑफ हिंदूज, इज द पार्टी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो फिर कोई किसी और को वोट क्यों देगा, राइट? और या कोई तो मतलब कोई हिंदू मेजोरिटी या हिंदू जो है वो क्यों किसी और को वोट देगा, राइट? द गुड द एग्जांपल दैट आई हैव इज यूएस. यूएस में भी इट्स सिमिलर, वेयर रिपब्लिकन्स आर द पार्टी ऑफ द क्रिश्चियन, द कैथोलिक, द इवेंजेलिस्ट, एंड येट ही विल हर्ट द बाइबल, ही विल हर्ट गॉड. या एग्जैक्टली, एंड
एंड द थिंग इज, तो फिर यूएस में फिर भी तुम देखोगे कि देर इज दिस लाइक यू कैन से 49-49 और फिर वो 2% स्विंग वोटर जो था वो डिसाइड करता है कि कौन इलेक्शन ले रहा है, राइट? यार लेकिन इट्स आई मीन ओवरऑल नो 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 बट इट्स इट नो बट द थिंग इज कि यूएस में देर आर स्टिल मोर डेमोक्रेट्स देन and also US mein there are more saner republicans than saner bjp voters. So here's the thing, so what happened, why a lot more prominent people here are willing to matlab they are willing to cross party lines because of something which is wrong with them, like you know wo jaise wo jo morning joe wala jo journalist hai, he came on bill maher, ha Scarborough, he came on bill maher show jab trump jeeta tha and he said I'm leaving the party now, so aisa कोई नहीं करता है, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं करता या कोई क्यों करता है यूएस में, मेरा यही नेक्स्ट पॉइंट यही था कि क्यों यूएस में कोई कोस्ट में जो वाइट, भूल जाओ अफ्रीकन अमेरिकन्स को, भूल जाओ माइनॉरिटीज को, लेट्स टॉक अबाउट वाइट पीपल हु वोट डेमोक्रेट इन यूएस, व्हाई डू दे डू इट, दे डू इट बिकॉज़ दे समहाउ रियलाइज, जस्ट लाइक आई से वी रियलाइज दैट हिस्टोरिकली ऑल्दो दिस current status quo has benefited us, it is not, the status quo does not side with the idea of justice, this is not justice, and and at some levels I'll even say that they feel guilty about, they understand their privilege and they feel guilty about their privilege and that, and they want to correct it, that is why they vote for privilege, right? Now this feeling is absent in India and I'm talking about the upper caste Hindu, this feeling is absent. So my point, basically why I raise this question is, my point is that bhool jao India mein elections, India mein abhi hai social project, you whoever it is, they have to forget about politics, they'll have to invest time and effort to create a social project that goes on for the next few decades where they can like make these groups understand. Of course, you'll never reach out to the 100, like 100% population of upper caste Hindus. Yeah. What you will reach out to, even a critical mass of 20-25% of those people is enough to, especially India is lucky in that regard. Main Aditya Kalusi ke baare mein baat karta hoon. Dekho, ultimately, it's not like US where there are two parties. So you have to vote for either A or B. India mein there are so many parties. So like, the moment you reach a critical mass of 10-15%, you reach a position of like big influence, right? Yeah. But सवाल ये है कि कोई नहीं लगता मुझे political parties की बात कर रहा हूँ जो वो time invest करना चाहते हैं. Congress का reaction दो मिनट. अरे Congress आप सबका, I mean opposition है कहाँ? Like they are same team में लग रही है मेरे को. The only मतलब one party system लग रहा है मुझे यहाँ. The only thing that kind of like Owaisi, and Owaisi ko bolna bahut easy hai, right? Owaisi was the only guy who aur Owaisi ke opinions ko delegitimize karna bhi bahut easy hai, so that sadly that's how it is India mein. This is a very I often compare India's current state to US in the 1920s where there were lynchings happening and when Birth of a Nation type ki racist movies White House mein प्रीमियर की गई है एंड ऑल दैट. सो इमेजिन वी आर एटलीस्ट 60 ईयर्स बिहाइंड देम. 60 ईयर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब 60s और 70s में थोड़ा सिविल राइट्स एंड थोड़ा बहुत दिमाग यूएस में आ गया था. इट्स एंड दिस ब्रिंग्स मी टू रिलेटेड बट दिस वोंट आई मीन वो 60 ईयर्स पहले हो गया था बट इट वाज बट जस्ट सेइंग 60 ईयर्स बिहाइंड एग्जैक्टली और I somehow feel culture-wise, it was, matlab, US changes much quickly than, I mean, India, anywhere in the world, because, hey, yeah, matlab, people will, enough people will realize the mistake and correct it, and they are not afraid to say, ki bhai, galti hui, yeah, something. See, this is also that thing, right, jo glorify karke jo India ko dikhaya jata hai in Western documentaries, even stuff that BBC makes, for example, the land of timeless traditions mixed with
मॉडर्निटी, यू विल फाइंड अ मिक्स ऑफ बोथ, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड विल यू मॉडर्निटी तो कहीं नहीं दिखती मुझे, मतलब कि बस मॉल बना दिया तो मॉडर्निटी थोड़ी हो जाती है। हां तो मतलब इंडियंस आर पीपल हु हैव लर्न टू लिव विद टाइमलेस ट्रेडिशंस, तो वो जो टाइमलेस ट्रेडिशंस वाला पार्ट है वो दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू कंप्लीटली रिजिड एंड मतलब ऑलमोस्ट ग्लासी, राइट? यू आर नॉट चेंजिंग एट ऑल, तो देयर इज नो ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ दैट। So, great point. So, and this is, अब ये episode वैसे भी अपना गुस्सा वाली होने वाला था, right? So, if we are going to lose some listeners, we will lose some listeners. But I think the most fucked up part about the Indian society, and to be very pointed, the Hindu community is caste. We all agree on that. But the problem is that we somehow, I mean, the three of us, we are atheists. So, it, I mean, it... It still matters, हमारा नाम तो वही है ना, नाम से तो yeah, I mean, yeah. But the thing is, कि even there are people, liberal minded people, who believe in the Hindu faith, Hindu atheists, Dhruvarathis, they don't have the courage to basically face with the reality head on. And the reality is that अगर कोई तमिल है और अगर कोई बंगाली है और अगर कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है और वो तीनों एक तीनों हिंदू आइडेंटिफाई करते हैं, तो उन तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आज मैं बंगाल में बड़ा हुआ होता, निशांत एमपी का एमपी में ही बड़ा हुआ होता, और तू आदित्य तमिलनाडु में बड़ा हुआ होता, तो अपन तीनों कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, राइट? अपन तीनों के जो रिचुअल्स हैं, शादी है, जो भी होता है, वो सब अलग अलग तरीके से होते हैं। अपन तीनों के फूड भी अलग। तो द ओनली थिंग दैट कम दैट इज कॉमन बिटवीन यू मी एंड लाइक और एनी हिंदू अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इज कास्ट, कास्ट, राइट? इन द एंड द ओनली कॉन्स्टेंट अक्रॉस द बोर्ड इज कास्ट, फाइंड मी एनी अदर कॉन्स्टेंट। एंड दिस इज द पॉइंट दैट अनलेस यू डील विद द फैक्ट दैट इट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट कास्ट, दिस रिलीजन इज कास्ट। And as long as we don't deal with this fact, there will be no benign form. Jo Shashi Tharoor koshish kar raha hai. I mean, he might win elections. I'm not saying he might win elections short term. Yeah. But if you want to see a country that is moving towards a positive future, you have to deal with caste at all. Because jo baat Aditya keh raha hai, wo exist karti rahegi ultimately end tak. और वो एक इनविजिबल सॉर्ट ऑफ अपार्थाइड क्रिएट कर दिया है जिसने अपनी सोसाइटी में, जहां पे बेसिकली बिना कुछ करे स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट हो गए हैं कि दे विल बेनिफिट पीपल लाइक यू एंड मी। और इस मैं एक्चुअली इस ये रिलेटेड है, जस्ट यस्टरडे देयर वाज दिस वीडियो दैट वेंट वायरल ऑन ट्विटर, स्पेलिंग भी वाला spelling, वो, I mean that kid looks like he should be on spelling bee. No, I'm talking about that girl who's crying. So there is this boy also who's basically telling ki the caste system is basically about jobs, but that doesn't mean caste, it means jobs and all that bullshit. So apparently matlab tum he's fine with you know jahan paida ho gaye wahi job karo type. और इनको फिर नेपोटिज्म से भी प्रॉब्लम होती है। एनीवे, सो शी इज सेइंग, आई मीन इट्स अ रिडिकुलस वीडियो एंड शी इज वेरी यंग, एंड आई थिंक व्हाट द प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया इज दैट नाउ शी विल गेट सच लाइक ऑब्वियसली शी विल गेट, नो सी आई हैव एब्सोल्युटली नो सिंपैथी फॉर हर, आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर हर, बट नो, और ये अभी ओवर वोक लोग आके ये भी बोल सकते हैं कि यू नो डोंट बुली हर या शी इज क्राइंग एंड ऑल दोस थिंग्स, एब्सोल्यूट बुलशिट। फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये जो सोशल मीडिया कैसे इतने इंटीमेटली जो अपने वो शेयर कर देते हैं ना, मैं तो उनको वैसे ही जज करता हूँ। एंड द आई एम एक्चुअली गोइंग टू स्टिक माई नेक आउट एंड से when she's saying ki we get bullied if you're chanting mantra and all, no, you are getting bullied because of you. Matlab there you can find a lot of the New York bullying to where, that is also something I want to ask, matlab that's also a figment of your imagination, right? Where are you getting bullied? That's the whole India today is that, right? Who is victimizing, who's kaun khatre mein, Hindu kahan khatre mein hai? So but my thing is, mujhe aisa lagta hai thoda
बट लाइक दैट गर्ल आई एम मे बी आई एम जजिंग टू क्विकली बट उसको ऐसा है कि मतलब इफ आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि मेरे साथ मतलब इफ आई वुड नो अ पर्सन लाइक देम मैं डेफिनेटली अपने चार अलग दोस्तों के साथ उसका मजाक ही उड़ाऊंगा. नहीं नहीं वो तो शी इज बेसिकली भूल जा वो वीडियो उसका पूरा जो एक शी इज अ दैट होल पर्सोना इज वेरी वेरी इरिटेटिंग. पुराने टिकटॉक है जिसमें शी इज लाइक सेलिब्रेटिंग कश्मीर एंड मतलब जो कश्मीर में हुआ है. यार आई नो पीपल उधर भी चले जाओ ऑल द टेम्पल्स देयर स्वामीनारायण से लेके जो भी है मतलब पॉम्पस जस्ट वल्गर डिस्प्ले ऑफ मनी. ठीक है गोल्ड से पूरा फेसिंग बना. यूएस में टेम्पल में गया कभी? I have gone here. मतलब it is even more opulent than temples in India. There are gold masks also. Gold threaded masks. हाँ और तुम बोल रहे हो and the same people जो ये मंदिर यहाँ बना रहे हैं US में बैठ के you are talking of being bullied. तुम अगर बुली हो रहे होते तो तुम्हारे यहाँ पे हर शहर में दो दो तीन तीन बड़ा बड़ा मंदिर नहीं होता तुम्हारे. वही तो like exactly. And the other thing is the idea is that you are not being bullied. The fact that someone is questioning your privilege and trying to take the society towards a more equitable state, yeah. that makes you feel like मेरा privilege चला जाएगा, तुमको लग रहा है कि वो बुली हो रहा है, बुली हो रहा है, हमारा privilege जा रहा है, but that doesn't mean कि तुम्हारा privilege कहीं actually में जा नहीं रहा है, दूसरे को अगर same level of privilege मिलना चाहिए, तो तुमको लग रहा है, और यही लोग बाहर जाके बोलेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को करण जोहर के nepotism को problem हुआ था. अरे जो जो लोग बोल रहे हैं वो खुद वही उसी की मूवीज तो देखते हैं करण जोहर की. नेपोटिज्म इज नॉट जस्ट कि मेरे बेटे को या किसी के चाचा के थ्रू जॉब मिल गया. दैट इज नॉट दैट्स अ वेरी नैरो आइडिया ऑफ डेफिनेशन ऑफ नेपोटिज्म राइट. द फैक्ट दैट आई वाज बोर्न इन अ सर्टेन फैमिली एंड आई हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ सरनेम और मैं इंग्लिश ठीक से बोल सकता हूँ. एग्जैक्टली वो नेपोटिस्टिक ही है. मैं तो ये बोलता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है जैसे मैंने जो तूने बोला इंग्लिश ठीक से बोल सकता हूँ ना ये इंग्लिश ठीक से बोल सकता हूँ वाली बात भी मैंने क्योंकि मैंने इस बारे में बहुत सोचा राइट. ये भी है कि कई लोग हैं जो ब्राह्मण फैमिलीज में पैदा हुए तो बहुत छोटे छोटे शहरों में पैदा हुए होते हैं एंड दे क्योंकि ये डिस्कशन होता रहता है ये डिस्कशन ये भी कि अफ्रीकन अमेरिकन और वाइट के बीच वाले भी डिस्कशन होता रहता है कि अब क्या चाहिए अब तो इतने जनरेशन हो गए ऑल दैट. द साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस दैट यू गेट एंड नॉट जस्ट बाय योर फैमिली इफ यू आर अ दो तीन जनरेशन पीछे चले जाऊँ तो माई फैमिली वॉज नॉट वेल ऑफ. इफ यू कम्पेयर बट इफ यू कम्पेयर माई फैमिली विद एन अपकास्ट सरनेम टू अ सिमिलर फाइनेंशियली यू नो सिमिलर फाइनेंशियल लेवल पे कोई दूसरी फैमिली रहेगी विद अ लोअर कास्ट सरनेम एंड देन कम्पेयर कि अभी कहाँ है. तो वो साइकोलॉजिकली है ना लेकिन वो साइकिल क्योंकि अरे मेरा तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ये देता हूँ राइट कि पार्टीशन हुआ. माय फैमिली माय ग्रैंडफादर बेसिकली लेफ्ट एवरीथिंग दैट ही हैड देयर एंड ही मूव्ड देयर एंड स्टार्टेड फ्रॉम जीरो यू कैन से एंड देयर वर मेनी अदर फैमिलीज दैट डिड दैट बट यू विल सी दैट पीपल हु केम विद एन अपर कास्ट बैकग्राउंड डिड मच वेल एंड द रीजन इज सिंपल द दिस फेथ इन दैट यू विल डू वेल बिकॉज यू This generational faith is also a thing. अरे मैं एक बहुत ही सारा that is just intergenerational memory like thing, right? Which is yeah. a, and generational trauma is also a thing. And there is a lot of like research that has happened on that. यार एक सारा सा example दूंगा तुम लोगों को. 98 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला, right? मेरे like in the sense it's not but like घर में बात होती देखा अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला है समझ रहे हो अपन कौन है. लोग बोलते हैं कि वी ऑलवेज हैव टू फेस प्रेशर फ्रॉम आवर पीयर्स और ये सब के मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल से टैमरन फैमिलीज होल्ड ऑन टू रामानुजन
अच्छा अच्छा मैथमेटिशियन था, तो एवरी टाइम रन किड इज एक्सपेक्टेड टू बी लाइक अरे रामानुजन अच्छा मैथमेटिक्स वैसा, बट इट्स अ पॉजिटिव स्टीरियोटाइप राइट, यू आर नेवर सफरिंग फ्रॉम अ नेगेटिव स्टीरियोटाइप, यू कैन नॉट इवन कंपेयर द सेम यार, एंड दैट इज द थिंग दैट नाउ लाइक इफ यू लुक एट अफ्रीकन अमेरिकन इन यूएस ऑल नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, यू ग्रो अप यू द मोमेंट यू लीव even within your own community sadly the psychology jaise especially misogyny ke matlab usme bahut acha hai ki aurat aurat ko us tarike se wo karti kyun kyunki she has jaise kehte internalized misogyny, वैसे you internalized race inferiority ya you internalized caste inferiority, so and again it's like a personal example ho raha hai but nishan ko pata hai mp mein sain last name is also like an sc last name, ya jo nai community hoti hai kabhi last name sain hota hai. And I have had multiple interactions where someone has found my name and they have been amazed ki oh aap log ne to itna bada ghar bana liya, like aise aise baat, yeah and back then we used to laugh at it ki you know jo bhi, even now like my sister and she's brilliant and she's woke and everything but wo bhi kabhi kabhi aisa agar khud ke baal khud kaat leti to fir mujhe message karte ki khun mein hai, matlab you know like which is harmless but you realize ki how much these stereotypes exist. Yaar wo to bahut hi naive si cheez ho gayi, the fact that we use caste slurs jaise wo Yuvraj ne jo kiya tha just because someone is looking a little shayad wo so ke utha hai ya whatever unkempt sa dikh raha hai to seedhe usko matlab caste slur se hi bula lo. That is so internalized. यार ये तो वो है ना कि अपन को पता ही नहीं, जैसे and by the way उन्हें ना जो लोग उसको गाली की तरह यूज करते हैं they don't even know, मतलब they exactly. It's like their whole bucket of the lower caste is for them is that only. So here's the thing, अगर तुम गालियां अपनी सुन हिंदी क्या तुम एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ हिंदी में जो गालियां हैं उसमें माँ बहन की गाली है, माँ बहन और सेक्सुअल जो गालीज हैं उनके अलावा तुम कोई भी गाली उठाओ सारी की सारी कास्ट इज़ कमीना से कास्ट या एंड वो सुना है ना कि जजमान सो जजमान एंड कमीन दे बेसिकली दैट्स गिवर एंड टेकर वाला रिलेशनशिप एंड लाइक यू कैन रीड अप ऑन इट बट एवरीथिंग इज अ कास्ट एवरीथिंग इज कास्ट एंड इन द एंड नो मैटर व्हाट यू से दीस थिंग्स अफेक्ट नेक्स्ट सेगमेंट में बहुत स्मूथली से चले जाएंगे. व्हाई डू दीज पीपल लिविंग इन यूएस गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ यूएस नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग फॉरगेट अबाउट सेलिब्रेटिंग वॉन्ट दीज थिंग्स टू बी लाइक सेलिब्रेट दैट टाइम स्क्वायर में वो चीज फीचर हो रही है उसको क्यों सेलिब्रेट कर और वो और हो रही है और हो भी एंड इट्स सच अ फेक वैलिडेशन इट्स नॉट लाइक कि मतलब यू नो कि मतलब कि ट्रंप ने बोला है कि भाई वाह मतलब इनने इतना अपना कैंपेन प्रॉमिस पूरा किया है तो ये हम इनकी ये लगाएं जैसे यू नो दे डू इट ऑन लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे वो सम वो एम्पायर स्टेट की उस पे झंडे का कलर कर दिया दे डू इट फॉर ऑल कंट्रीज बट दैट इज डिफरेंट बट ये वाला तो खुद ही ने पैसे दिए खुद ही ने ऐड दिखा दिया एंड देन उससे हुआ क्या लाइक आई अगेन दिस इज द काइंड ऑफ जैबिक वे लाइक वैलिडेशन राइट इट इज एग्जैक्टली दैट इट हाँ मतलब कि खुद ही बोला कि देखो एंड देन जस्ट बिकॉज अब वो ये ना कि बाकी तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड तो लोगों को तो मेरे को तो लग रहा है न्यूयॉर्क में से रैंडम चलते किसी जैसे नॉन इंडियन को दिखा भी होगा तो वो फोटो ही खींच रहा होगा कि यू नो मतलब इंडिया लैंड ऑफ मिस्टीक एंड पता नहीं क्या क्या दैट इज अगेन बीइंग रीइंफोर्स्ड बाय द वेस्ट राइट हां बिकॉज़ द अगेन वो पर्सपेक्टिव भी तो ऐसा है कि the western idea of indianness and spirituality and whatever is the brahminical idea kyunki most upper caste hindus end up coming to the us right so their exposure to anything indian is basically this so as a result see for them again yahan pe wo ek wokeness ka ek alag level hai na so for them to then question say Hinduism or any of it, that becomes like questioning a minority and group. Imagine if something like, see, you are happy, matlab you are not even realizing ki a country like US where you are not a majority, you are able to do this.
इमेजिन कि कभी कोई तो इंडिया में किसी को प्राइम लोकेशन पे सम सीएसटी स्टेशन मिनोरिटी को या था। ऐसे, हाँ, ऐसे कुछ कर दिया कि चलो पाकिस्तान इज नॉट अ गुड एग्जांपल बट सम अदर कंट्री यार इंडोनेशिया या यार वट को, एवर कोई भी नेपाल। देश जिसमें चांद हो, जिसके हाँ फ्लैग भी हो एग्जैक्टली उसके। हाँ वो कर दो वहां पे। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल विल इट इवन बी अलाउड या सो दे डोंट रियलाइज दैट एंड दे जस्ट मतलब यहाँ पे सब चाहिए और वहां पे भी सब नहीं, चाहिए। हिपोक्रेसी है मेरे भाई। एग्जैक्टली ये हाँ आर्गुमेंट है ना कि इंडोनेशिया में देखो गणपति का बहुत सारा ये होता है, गणेश इज इन हाँ ऑल ऑल हाँ तो तुम सिंबल्स भी करो इट्स ना, तुम नेटिव, भी करो। हाँ इट्स एन तुम इस्लामिक हाँ मेजोरिटी नेशन या जहाँ पे हो रहा है। यार इस्लामिक मेजोरिटी नेशन में अगर गणेश सिंबल दे रहा है तो उसका कन्वर्स क्यों नहीं हो सकता है तुम्हारे देश में? दैट देन बिकम्स अ प्रॉब्लम कि तुम यार हाईजैक हो रहा है। इवन दी एमिरेट्स विच इज नॉट रियली अ डेमोक्रेसी इन द ट्रू सेंस वहां पे भी दे सर्व हैम एंड पोक एंड एवरीथिंग। दे जस्ट टेल यू कि भाई ये है तो जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना नहीं खाए। बट इन इंडिया मान लो तुम 20 लाख का भी एंड एग्जैक्टली कंट्री लाइक एमिरेट्स और इवन कतार नॉट द बेस्ट ग्लोबल शाइनिंग एग्जाम्पल्स, बट तुमने वहां पे भी घर बसा लिया है। हाँ या यू एग्जैक्टली यू हाँ अपर कास्ट हिंदूज, यू हैव नेवर बीन स्टॉप फ्रॉम गोइंग एनीवेयर, और तुम वहां जाके रो रहे हो कि क्या है हम लोगों को, हाँ एक ही एक ही देश है, देश है एक एक ही ही देश देश में है, तो आ जाओ जाओ वापस। वापस। हाँ जाओ हाँ, वापस ऑन वन हैंड यू कैन ऑलवेज गो एंड क्लेम कि तुम्हारे पास एक ही देश है, तुम एक लार्ज ये, बट तुम्हारे बगल में नेपाल है, उसके साथ में तुम्हारा नहीं पड़ता है। यू आर एवरी बेसिस में यू आर जन जस्ट टेकिंग पॉट शॉट्स एट नेपाल बिकॉज दे आर अ या या स्मॉलर नेशन। हाँ तो इट इजंट अबाउट फेथ, वो तो इट इज वेरी क्लियर। इट या इज ऑल अबाउट मेकिंग अनदर कम्युनिटी फील इंफीरियर। अगर वो नहीं होता ना इसमें, मंदिर तो हर दिन बनता है यार देश में। हाँ एंड मेरे बाय शहर एंड में, मेरे शहर में मंदिर बन रहा होगा अभी एज वी स्पीक। मंदिर इंडिया में कम नहीं बनता है। मंदिर भी बनता है और मंदी भी मेरे भाई, मंदी भी। व्हाई इज इट जस्ट दिस पर्टिकुलर मतलब मंदिर ओनली बिकॉज बहुत से ऐसे हिंदू राजा वर्सेस हिंदू राजा में भी टूटे होंगे हाँ तो इट्स व्हाई ओनली दिस वन इज या हिंदू राजा वर्सेस हिंदू राजा, बुद्धिस्ट साइट्स दैट हैव बीन डिफेस्ड, देयर हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल क्लैशेस। सो द एंटायर आर्गुमेंट इज अगेन कि देन इफ यू देन टेक दिस फार इनफ बैक, मतलब वी हैव डन दिस इन द पास्ट, आई नो एवरीवन हैज स्पोकन अबाउट दिस बिफोर, दिस 5 सेंचुरीज पहले का, इफ यू आर ट्राइंग टू अवेंज समथिंग देन व्हाई स्टॉप देयर? या देन कीप गोइंग। ये व्हाई तो इतना, आर्बिट्रेट स्टॉप विद द मुगल्स हियर? ये तो इतनी बड़ी लाइक ये मेरी मेरी एक छोटी थ्योरी है और थ्योरी नहीं मतलब सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस। सो इफ वी रीड हिस्ट्री, आई विश बट एनीवे, इफ वी रीड हिस्ट्री देन वी रियलाइज दैट 970 AD में महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया, सबकॉन्टिनेंट। राइट? हाँ ठीक है, एंड बाय इन्वेडेड इंडिया यानी कि सिंध, व्हाट इज नाउ द सिंध, हम्म, दैट रीजन, राइट? देन बाय 1200 इश, 1206 इश, द फर्स्ट इस्लामिक डायनेस्टी वॉज बिल्ट इन दिल्ली, द गुरिड डायनेस्टी, राइट? देन दे वर नॉट लाइक दे वर सो लाइक क्या बोलना चाहिए, ब्रिटल, दैट दे ब्रोक ऑफ इन टू लाइक 3 डिफरेंट सल्तनत, एंड देन देर वॉज अ बंगाल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, डेक्कन सल्तनत, राइट? सो एंड देन 1339 में देर इज अ कश्मीर प्लीज सल्तनत यू कॉल इट, राइट? और ये सब नॉर्थ इंडिया में हो रहा है। साउथ इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साउथ इंडिया में इवन बिफोर दैट देर आर मुस्लिम्स बिकॉज सी राउट से 6th AD से ही लोग आके कन्वर्ट, राइट? लेकिन वेन यू टॉक टू अ भगवा ही विल टेल यू कि ये तो 1000 साल से चल रहा है, ये मुसलमान तो इंडिया को भाड़ा, लाइक भाई मेरे तो हिस्ट्री पढ़ेगा तो तुझे रियलाइज होगा कि हाँ XYZ मुस्लिम थे बट वो आपस में ही लड़ रहे थे। कोई ये प्लान करके नहीं कि लाइक मुस्लिम हूं मैं और लाइक अब मैं इंडिया जा रहा हूँ, या ये भी सोचा भी होगा तो भी वो साला एनिमी उसको जो इंडिया मिला वो भी मुस्लिम ही था। एंड फेथ भी नहीं ना, आई मीन इट्स उस समय लाइक दैट टाइम नो वन केयर्ड, राइट? इट वाज लाइक माय किंगडम वर्सेस योर किंगडम। सो व्हेन यू इफ यू रीड गालिब, राइट, इफ यू रीड गालिब्स पर्शियन पोएट्री, सो लाइक मुगल्स एंड इवन लाइक उस वक्त के जो तुम राइटर्स कोट, उन लोग मुगल्स को मुस्लिम मुस्लिम नहीं बोल रहे, सब नहीं बोलते टर्किश, थे। हाँ दे वर आइडेंटिफाइंग दीज पीपल एज टर्किश। सो आई मीन बीरबल वाज अ वॉर जनरल फॉर अकबर, सो या बट हियर इज द बट
किसी इंटेलिजेंस को कितनी गाली देते रहोगे आप, पॉइंट वही, बट व्हेन यू टॉक टू देम इट्स लाइक कि देर इज लाइक बेसिकली फॉर 10th सेंचुरी एडी से लेकर 1947 तक जो भी हुआ सब सिक्लिकल, लाइक एक सिक्लिकल बोल रहा हूँ, एक डोमिनो इफेक्ट है कि इसने ये किया और ये, दिस इज ऑल अ मुस्लिम कंस्पिरेसी अगेंस्ट अ हिंदू इंडिया. Yeah, but that is the beauty of a binary narrative, right? It's so easy to consume. Huh, and that is why when we are surprised by things like Teju Mahal, I am not honestly, like, how is this a bigger, like, conspiracy theory than Babri the whole itself. Islamic thing of India, right? I mean, than Babri Masjid itself, basically. Babri Masjid to, matlab... नहीं डिस्प्यूट पुराना है बट मैं बोल रहा हूँ एट वन पॉइंट वो तेजो महल है जैसे ही शुरू हुआ होगा ना. हाँ अरे राम के नाम पे देख लो लाइक 1886 के आसपास वो वैसे ही शुरू हुआ है. दैट्स व्हाट, सो टुडे वी आर लाफिंग एट तेजो महल बट 150 इयर्स डाउन द लाइन दिस इज हाउ एन आइडिया बिगिंस, राइट? इवन से समथिंग एज इंटरनलाइज्ड एज शाहजहां ने उन सबका हाथ काट दिया था, ठीक है, वो ताजमहल बनाने के बाद बेसिकली है क्या वो, मतलब इट इज इस्लामोफोबिया, राइट? या बिकॉज मतलब इट्स लाइक कि जैसे हिंदू राजा ने कभी एट्रोसिटीज की नहीं किसी पे, किंग गाउजिंग द एनिमीज आईज एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स मराठा किंगडम में कम होता था बेसिकली. यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज ऑफ दैट काइंड, द वे एनिमीज वर ब्रूटैलिटी वाज अ फॉर्म ऑफ सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्री. अशोक का in fact even up until 1948 there were multiple temples in Ayodhya that called themselves the birthplace of Ram. Multiple temples. Yeah. So to pick on this spot was not like a random NRC mein matlab fir wo dikhayenge kya matlab certificate Ram Lalla usi char tiles ke upar paida hue the. Agar wahan mosque nahi hota to Ram Lalla kahin aur paida hote jahan mosque hai. All of this thing, right? All of this taken in ki ek to यार ये ऐसा देश है जहाँ आज के तारीख में बर्थ सर्टिफिकेट में गलती होता है और हम भाई मेरा वोटर आईडी में मेरा नाम गलत है, मेरा वोटर आईडी में मेरा कजन है, नाम भी गलत है यार, तुम तो नहीं पॉड में नहीं बता सकता मैं, या हाँ तेरा से नाम ही गलत है तो मेरा हम कागज नहीं बनाएंगे होना चाहिए था बट दिस मैंने रिसेंटली जब यह आत्मनिर्भरता वाला स्पीच दिया था मोदी जी ने तो मैंने न्यूज लॉन्ड्री में एक आर्टिकल लिखा था, राइट? तो उस आर्टिकल में मैंने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी जिसका नाम था जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस, विच बेसिकली मींस कि इफ यू आर यूजुअली व्हेन यू आर इन अ पोजीशन ऑफ प्रिविलेज इन अ कम्युनिटी एंड इफ यू आर बॉर्न लाइक उस लड़की को एज एन एग्जांपल लो, इफ यू आर बॉर्न इन अ प्रिविलेज्ड कम्युनिटी एंड यू ऑब्वियसली किसी को अपनी आइडेंटिटी से नफरत या स्केप्टिसिज्म नहीं होता, सबको अपने पापा मम्मी पसंद है, सबको अपने दादा दादी पसंद है, सबको अपने एंसेस्टर्स पसंद होते ही हैं, नो मैटर व्हाट उनको प्राइड का एक सेंस होता ही है. सो नाउ इफ यू हैव टू मेंटेन दैट सेंस ऑफ प्राइड एंड आल्सो लुक एंड अब्सॉर्ब द लाइक द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड यू कम अप विद दिस आइडिया ऑफ जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस व्हिच इज लाइक यू टेक योर करंट स्टेटस एंड देन यू वर्क फ्रॉम इट बैकवर्ड्स कि अगर मैं ठीक हूँ और मेरे पास लिबर्टी है तो सोसाइटी भी ठीक है और सोसाइटी के पास भी लिबर्टी है, तो जिनके पास नहीं है उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी तभी उनके पास नहीं. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई बीइंग पुअर इज बैड, दैट इज व्हाई एनीथिंग दैट क्वेश्चंस माय आइडेंटिटी इज बैड एंड दैट इज व्हाई एनीवन दैट पॉइंट्स फिंगर्स एट मी इज पॉइंटिंग फिंगर्स नॉट जस्ट एट मी बट माय होल बीइंग माय एंसेस्टर्स लाइक It is actually much easier to take a slight on yourself than to take it on your parents, right? That's how we have to function. Gali mere ko mat de re, mere maa ko kyun gali diya? It's the extension of that, right? Yeah. That's how it all begins, right? So say someone questioning your belief is actually questioning the belief that you internalized because your parents told you to do something. I think I have also said this before, ki I know people of my age, like they realize...
मतलब आई एम श्योर बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, दे नो, सम ऑफ देम ऑल्सो रीड, दे रियलाइज इट, बट इट जस्ट की दे कैनॉट ब्रिंग देमसेल्व्स टू द फैक्ट की यू नो वॉट देयर पेरेंट्स एंड वॉट इज कमिंग डाउन द लिनेज हैज बीन बुलशिट. एक और दूसरा एग्जांपल जिससे मैं कहता हूँ कि मेरे मेनी ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स वो आर मुस्लिम्स. वही ना, चूतिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा बेटा है वो इम्पोर्टेंट है. वही है, बट लाइक इफ इट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी टू डील विद इट एंड टू डिबेट इट एंड टू लाइक इट इज वेरी चैलेंजिंग. तो बेसिकली जस्ट everything when you look I, at least to me when I look at a lot of these things from that just world hypothesis I it kind of becomes clearer to me ki why someone celebrates something like this, because ultimately it, in their head it was a slight, it was a wrong to their ancestors and they're correcting it. But again, matlab the problematic bit for me is that say a 20-year-old who has probably seen a 20-year-old or a 15-year-old kid who's on Twitter today, who has the privilege of having access to the internet and who has probably never seen anything in terms of being wronged by a community or something like that. But for them to feel so passionately about a temple, matlab I feel that is something jo hum logon mein bhi nahi tha, at least mere mein nahi tha at that age. I never felt passionately about any temple at that point. And I'm not judging people for being religious at that age, but I really do not see that being a very natural trait at that age without being fed all the political propaganda that they are fed right now. But that is definitely a sign of today's times. And even at a step ahead, like these NRIs, मतलब तुम यहाँ पले बड़े हो वेस्ट में, you must have gone to school. तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि इवन देयर यू बट स्टिल यार यू आर मोर एक्सपोज टू यहाँ की यू नो पॉप कल्चर एंड यहाँ की न्यूज एंड ऑल, यू सी इट, बट इवन देन यू आर नॉट एबल टू रियलाइज, मतलब दैट इज सम. बट आर दे रियली निशांत, मतलब इवन इन द यूएस द देसी डायस्पोरा हियर व्हाट आई सी इज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन इज दे लिव more Indian lifestyles than they are basically you and I would in India. I know. You and I, people like you and I will even me, maybe I try to, but again it depends on a lot of things. You, but, silo, right? You will say you will have Indian friends. That is obviously a cultural connect and you have more relatable things to talk about. Yeah. I'm talking about the kind of social insulation that they have. I see people sometimes at my work, like Indian people, matlab wahi na ki, like they don't, they can't even, if they're talking to a non-Indian, it may be an American, a Chinese, or a lot of other nationalities work there, but they won't even connect. Matlab agar kaam ke alawa kuch baat hui na, to they won't even register with them. Matlab it will be like ki ye kya bol raha hai, mujhe samajh mein nahi aa raha hai, matlab koi joke maara ya some, they give you some reference. Like we were talking about कि लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि Tony is short for Anthony, so they are just so insulated is the word, but talking about ABCDs, I see a slight difference is that they don't understand a lot of things. So India तो अपने हिसाब से आगे चलता जा रहा, right? आगे तो नहीं चल रहा है, आगे मतलब time आगे जा रहा है, time जा रहा है. They came at a time when whatever their parents came with, that's the idea of India that they have. Maine ye notice kiya, at least once. Like, they'll happily, like, kuch cheeze jin pe apan cringe karenge, for example, like watching Kuch Kuch Hota Hai Now, we'll cringe. Yeah, watching Ekta Kapoor serials, we won't even do that. But NRIs do it. And NRIs are fine with it because they don't have that concept of this not being cool anymore. Yeah. Because time is frozen. I'll give you a classic example, Great Bong, right? Great Bong's idea of political clout is the left being a powerful political party, right? And left-centric narrative being powerful all across India. That is what he probably grew up in, a CPM-ruled Bengal. Right. He's a weird guy, man. How can you support Barney and Modi at the same time? So he grew up in a CPM-ruled Bengal.
and he left Bengal when it was CPM ruled. So uske dimag mein aisa hai ki the balance of power always lies with the left. Whereas India has moved far away from that balance of power. The equilibrium has shifted the other side now. Lekin unke dimag mein, because he has his idea of Bollywood, his idea of cricket, and अच्छा ये ज्यादा पावरफुल है पॉलिटिकली द लेफ्ट इज द वन जो मेरा बुक लिखने से मुझे मना करता है आई एम नॉट सक्सेसफुल बिकॉज द लेफ्ट इज अल्ट्रा पावरफुल इन इंडिया सो ये आइडिया उसके दिमाग में ही हैज अ फ्रोजन आइडिया ऑफ इंडिया व्हिच इज प्रोबब्ली समवेयर इन द लेट 90s नहीं वो बर्नी को यहाँ पे और वहाँ पे मोदी तो लाइक दिस इज लाइक 90% एनालाइज दैट आई नो यार मतलब ये तो मैं एक मेरा गुज्जू रूमी था वो भी ऐसे ही था बट Like, I just heard one thodi aise heartwarming story though. So one of my very good friends, he told me his one of his uncles had moved to the US like many many years ago. They, like his family, they're all citizens here now, and their children were born here. So the boy, I mean his uncle's kid, so his cousin basically, he is a teenager, and I think he's probably going to vote for the first time this election. So he told me that, you know, he keeps fighting with his dad. You know, he gets it. He knows Bernie, and apparently that Indian uncle is a registered Republican. So anyway, just made me feel good. Yahan pe bhi the small fraction that is pro Trump, right? The Desi group. एक ही लेवर है ना देयर इज वन लेवर व्हिच इज इस्लामोफोबिया हां एग्जैक्टली मुझे स्मॉल फ्रैक्शन नहीं लगता है मुझे तो साइलेंट मेजॉरिटी लगती है नहीं अभी तो वोट सो बेसिकली क्या है देखो दो चीजें राइट एक तो ये कि देयर आर मोर इंडियन ओरिजिन पीपल हु आर बोर्न इन यूएस देन इंडियन ओरिजिन पीपल सिटीजन हु केम अंकल्स एंड आंटीज केम हियर एंड दे कैन हैव देयर ओन व्यूज एंड बट द थिंग इज द किड्स हु आर बोर्न हियर मोस्ट ऑफ देम don't have any opinions on Modi because why should they? Yeah, yeah. They are American. They don't give a shit. Yeah. And I don't expect them to give a shit. Yeah. And most of them are very left and very pro-Bernie, which is how I expect them to be. Mm. Then there is this crowd, which is not citizen. And maybe, I don't know if you're talking about that same crowd, but they are not citizens. They are like us. Yeah. And they now have green cards and all. So now they are thinking about both American politics and Indian politics. और उसमें usually मुझे जो लोग मिले हैं वो if like वो वैसे रहे जैसे I remember this guy that I was like a colleague that I एक तो मैं politics बिल्कुल discuss करने की कोशिश नहीं करता especially जब देसी होते तो और भी नहीं but तो वो मोदी fan obviously मोदी fan तो था ही था और US politics में ये this is before 2016 like candidates decide होने के पहले तो तब वो Trump चूतिया उसने ये बोला but उसको Marco Rubio पसंद था what okay तो लाइक व्हिच आई मीन दिस इज जस्ट अमंग रिपब्लिकन्स और ओवरऑल मार्को रूबियो पसंद था उसको मार्को रूबियो एज अ कैंडिडेट पसंद था सो बट हूएवर यू आर टॉकिंग अबाउट दे स्टिल मतलब मार्को रूबियो को पसंद करने का मतलब है कि दे मेड द एफर्ट टू रीड अबाउट कि मतलब हु स्टैंड्स वेयर ऑन व्हिच पॉलिसी एंड व्हिच यू नो डिबेट बट इधर तो इट्स लाइक कि मतलब बिकॉज़ मोस्ट ऑफ देम आई नो दे डोंट They're just stupid, man. I mean, stupid as in ki, I call them stupid because if you're living somewhere, at least be aware. So, inka to sirf ek hi hai ki matlab ya to matlab mujhe kuch nahi pata. Aur agar stand lena bhi hoga, to jo bhi aaspaas mein jo popular stand hoga ki oh ye cool bande hain, you know, jaise kisi comedian ne kisi like for example, if you're watching Great Bong, right? Great Bong is basically like wo khud ko kitna bhi smart bol le, wo basically he's like. He is influenced by whatever is around him because the popular narrative in India media se leke film se leke sab mein narrative is pro Modi pro right wing nahi but the thing is the inability to acknowledge the fact that the media narrative is shifted the other side that's what I'm saying in his head it is frozen somewhere in the why does I have never heard of him and we are giving him a lot of time but I have a question for you then Adit why does it so to me it does not matter what the like I know this is my politics and this is what I understand ab tum duniya ka koi bhi country le aao koi bhi random country jisse mera koi lena dena nahi hoga tum mujhe batao ki wo political party ka stance kya hai us country ke minorities ki tarah aur
मैं बताऊं कि मेरा मेरा माय मॉरल कंपास इज माइन, मतलब वो यूएस इंडिया साउथ अफ्रीका कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यू आर आइदर यू आर डम और यू आर सेल्फिश इडियट एंड आई डोंट नो व्हिच इज बेटर. आई होप बोथ. नहीं आई डोंट थिंक डम, आई थिंक या डम तो बहुत कम लोग होंगे यार. सी बिकॉज़ इट इज जस्ट वे टू, मतलब डम एज इन यू हैव टू बी रियली रियली डम एंड आई थिंक दोस पीपल आर वेरी लेस इन नंबर. इट्स द हिपोक्रेट्स व्हिच आर मोर. इट इज बेसिकली प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिविलेज और कुछ नहीं. या हर जगह में व्हिच और प्रिविलेज से याद है सुशांत सिंह राजपूत. सुशांत सिंह राजपूत पर कोरोना भी दो चीजें बची हैं. इसी से सुशांत सिंह राजपूत ज्यादा कनेक्टेड है. सो पहले तो फॉर आर लिसनर्स, वी लाइक सुशांत सिंह राजपूत, अब ऑब्वियसली वी डिड नॉट नो हिम पर्सनली. ही वाज एन एक्टर. द थ्री ऑफ अस, आई गेस वी सॉ सम ऑफ हिज मूवीज, नॉट ऑल ऑफ हिज मूवीज. एंड इट्स अ सैड थिंग दैट ही पास्ड अवे द वे ही डिड. ही वाज ऑब्वियसली डीलिंग विद सर्टन थिंग्स दैट वी नाइदर अंडरस्टैंड नॉर वी क्लेम टू डू. Yeah. So this discussion about him will be about... It's not actually about him. It's the... But the absurdity of the media yeah, coverage. Yeah, yeah. The media coverage, and it's not just the media, the regular people also, man. I mean, I keep seeing these messages on my WhatsApp. Matlab, not even... people are convinced now. Like, yeah, I'm not even talking about the other messages that we were seeing now in the WhatsApp group, that the right is like has appropriated him and, you know... I'm not even talking about that. I'm just literally talking about just pure the stupid conspiracy theories. How? Like, why? First of all, ये मतलब क्यों तुम किसी की लाइफ में इतना इंटरेस्ट है और सिर्फ उसी सेलिब्रिटी की लाइफ में क्यों है? तुम अपने आसपास तो देख लो, घर में देख लो यार अपने. नहीं देखो, मैं ये समझ सकता हूँ अगर तुम यंग हो. जैसे मेरा मोस्टली मैं कट चुका हूँ इन द सेंस, मैं कट चुका हूँ इन द सेंस, ऐसे मेरा बहुत इंटरेक्शन नहीं, फैमिली ग्रुप्स वगैरह नहीं है. तो मेरा मोस्टली लाइक इंडिया से जो इंटरेक्शन है वो अभी की टाइम में प्रोफेशनल लाइफ में, लाइक आई एम मैनेजिंग अ टीम फ्रॉम इंडिया, सो आई टॉक टू देम डेली, राइट? सो कभी कभी ये सब बात हो जाती है एंड दे आर ऑल यंग पीपल, लाइक 20 समथिंग पीपल, राइट? तीन चार ये लोगों से ही मेरा इंटरेक्शन है एंड देस, एंड मैंने कभी टॉपिक निकाला भी नहीं क्योंकि मेरे को पोलिटिकल पछड़े में जाना ही नहीं रहता. बट समहाउ सुशांत सिंह का टॉपिक निकला एंड नाउ दे सीम टू बी कन्विंस्ड दैट ही वॉज मर्डर्ड एंड आई एम सो सरप्राइज बिकॉज लाइक सो मेरा टेक यह है कि दिस होल की पीपल कैन हैव मेंटल हेल्थ इशू. लाइक अगर कोई विजिबल नहीं है प्रॉब्लम, बात वही कुल मिला के वही है. मैं टाइम ना वाली की वो देखो हंस रहा था. हाँ, exactly. इस हिसाब से तो मतलब फिर वही रॉबिन विलियम्स वही तो. एंड यार इट इज सो, मतलब इट इज जस्ट स्टैगरिंग टू मी. मतलब इट्स, आई डोंट इवन नो कि मैं कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं. But Raj, this is also like, again, goes back to this issue with Indian society and rationality, right? Ek to ek baat ye hai ki the inability to accept the fact that someone successful can also be sad, can also be depressed. Haan. Right? And sadness and depression are the same things. The term that's being used that I said was Amino ki bimari. The point is that this makes us feel a lot more vulnerable, right? So if someone as successful as him probably has more money, 10 times more, 100 times more money than I will ever make, if they can be susceptible to this, then that makes you feel more vulnerable. That is one reason why people are going out of their way to just defend. You know what this makes me think though? This, and maybe I'm too bitter today and I don't know, but this again makes me think about the religion at large. Because our relationship with gods is also very transactional. Not very spirituality, just wo farzi hai, wo TV pe dikhane ke liye. And everything like aur apne hi gharon mein hame jo bhi, ab we've talked about this 100 times, hame padhaya isliye kiya jata hai ki hum ek stable एंड रिस्क फ्री जॉब ले सकें और एक स्टेबल एंड रिस्क फ्री लाइफ जी सकें. हमें पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं किया कि हमको साइंटिस्ट बनने की. भाई मतलब द डे माय सिस्टर सेड कि अभी मेरे को मतलब एमबीए करना है, जो भैया पता नहीं कितना पूरा खानदान ज्ञान दे रहा है.
अरे तुम तो अभी मतलब एकेडमिया ज्वाइन कर लो, यहाँ पे नौकरी लग जाएगी, पीएचडी कर लेना, प्रोफेसर बन जाना। अरे भाई मतलब आई कांट इमेजिन। एक तो मतलब लड़कियों को वैसे ही तो मेरा कुल मिला के पॉइंट ये कि जो आदित्य कह रहा था राइट, कि अल्टीमेटली सुशांत सिंह राजपूत इस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में बेस्ट डील मिला उसको राइट, इफ यू थिंक अबाउट इट राइट। ही इज लाइक वन ऑफ द और ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल इन इंडिया, एंड टू से दैट उसके बाद भी ही वाज नॉट हैप्पी काइंड ऑफ पुट्स अ डेंट इन दिस होल वे वी लिव। दिस इज द हिंदू वे ऑफ लाइफ और आई डोंट सपोर्ट इट। हमारे आई मीन नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट घरों के बाहर शुभ लाभ लिखते हैं राइट। लाभ इज अ बिग बिग थिंग, लक्ष्मी जी के लिए जलाए जाते हैं, राम जी के लिए नहीं जलाए जाते। एग्जैक्टली तो वो ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शन फेल हो गया राइट। और वो ट्रांजैक्शन अगर फेल हो गया मतलब वो तो एक बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, मतलब बेसिकली अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम अगर उसके बाद तुम बोलते हो तुम डिप्रेस हो तो तुम नखरा कर रहे हो या क्योंकि किसी के पास पैसा, क्योंकि लोगों को खाना नहीं है, बोलेंगे खाना नहीं। एंड आई थिंक और उसके ऊपर से अभी ये जो बंदी है रिया चक्रवर्ती, देयर इज आल्सो अनदर थिंग राइट, देयर इज आल्सो दिस वॉयरिस्टिक इंस्टिंक्ट जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, एंड आल्सो दिस इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वल्नरेबिलिटीज भी है फॉर अ सेलिब्रिटी। सो यू विल सी दैट सुभाष चंद्र बोस डाइड इन अ प्लेन क्रैश, वी आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट दैट ही डिड राइट। फॉर द नेक्स्ट 100 इयर्स वी क्लेम कि बोस का एज अगर 110 भी होता है आफ्टर अ पॉइंट, 40 साल बाद भी लोग बोल रहे हैं वो बाबा जी बन के इस गांव में रह रहे हैं। सो दिस हैपेंस, दिस कॉन्स्पिरेसी थियरी फ्यूल्ड नैरेटिव्स और ये सब जो भी है, इट ओनली हैपेंस व्हेन इट्स अ सेलिब्रेटेड डेथ। हाँ एग्जैक्टली, इट नेवर हैपेंस व्हेन से गुजरात हुआ एंड देयर इज अ मिनिस्टर हु डाइज एंड अ होम मिनिस्टर डाइज और सुप्रीम कोर्ट का कोई जज के साथ कुछ ट्रांसफर हो गया या कोई, वहां पे कॉन्स्पिरेसी नहीं देखेंगे। दे विल सी थिंग्स वेरी लीनियरली लाइक ट्रांसपेरेंट तो है, आप लोग ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर तू जज लॉयर की बात कर रहा है तो वो तो लोग नहीं सोचना चाहते या टैसिट अग्रीमेंट है कि नहीं, बिकॉज इन द एंड Even reasonably smart people are doing the same, right? In families, WhatsApp groups and stuff, they are doing it. अरे and वो बिचारी आधे time में तुम लोगों ने JNU में जब एक या there were two students were shot at in JNU. तब कोई conspiracy नहीं थी, कहाँ से बंदूक आ गई, फिर उसका कुछ हुआ भी नहीं, क्या हुआ? के साथ में वो तो tacit agreement है ना, लेकिन conspiracy जब you gave a great example, आदित्य ने सुभाष चंद्र बोस का जो example, सुभाष चंद्र बोस is a great example. क्योंकि पब्लिक जब देखता है सुभाष चंद्र बोस की लाइफ को तो बोलते कि यार उसने इतना उसने इतना कुछ दिया और उसकी लाइफ उसकी डेथ इतना मीनिंगलेस कि प्लेन क्रैश वो नहीं कर सकते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं राइट। दिस इज इनफैलिबल हीरो राइट इन आवर मूवीज आल्सो या एंड उसके बाद ऐसा हो जाए कि मतलब कोई माउंट एवरेस्ट में गया चढ़ गया और उसका पेट खराब होने से मर गया, वैसा वाला हिसाब राइट। तो सो दैट्स व्हाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैपन इन that area. Similarly, Sushant Singh mein bhi wahi hota hai ki he succeeded, he became so much and then he killed himself. Why would he do that? Because he has all the things that we aspire to be. Yeah. Abhi tum socho, ek bahut hi random sa ajeeb example dunga. If Modi ji kills himself, how will the people, like, logo ka dimag ka processor phat jayega. Yeah. Right? I mean, aisa nahi hoga. He's too... And a lot of Indians still have this conspiracy theory ki Hitler didn't do what he did, right? So they say that Hitler ka body double tha and all that. Because wo exactly kyunki wo phir wo us cheez se it goes against their strong persona, infallible life. If you get at the root of it is that life has meaning
and these actions kind of prove to you that it's meaningless. Basically, outside of what meaning you give to your life, there is no meaning. There's no greater meaning to your life, and that is something that people find difficult to digest. No, but this bringing in. See, I don't know Riya Chakravarti personally, obviously, but जिस तरीके से उसको मतलब इट्स बेसिकली कि वो लिव इन में रह रही थी तो शी वाज अ गोल्ड डिगर लिव इन में रह रही थी तो उसका जनरल मॉरल स्टैंडर्ड्स कम है बट एग्जैक्टली और पूरी उसकी मतलब पूरी फैमिली को उसको यू जस्ट लाइक असैसिनेटर कैरेक्टर पूरी फैमिली को नहीं पूरे कम्युनिटी के औरतों को बंगाली लड़कियां पूरी की पूरी सो दैट इज आल्सो समहाउ रिलेटेड टू दिस मतलब इट्स अ वियर्ड अमलगेमेशन ऑफ रिलीजन प्लस कल्चर राइट कि मतलब एंड पॉलिटिक्स बेसिकली हां एंड पॉलिटिक्स द एंटायर सुशांत सिंह राजपूत थिंग वुडंट हैव बीन टेकन अप इफ देयर वाज नॉट अ बिहार इलेक्शन कमिंग अप या एक्चुअली यू आर राइट अगर इस साल बिहार में नहीं होता तो यू वुडंट सी हैशटैग नीतीश फॉर सुशांत क्या लेना देना नीतीश ने ऑर्डर किया ना कुछ मतलब आरसीबी या इट वुडंट हैव हैपेंड इफ देयर वाज नॉट एन इलेक्शन इन बिहार हां या या अरे दे डोंट केयर मतलब इतना ही है तो व्हाई डू यू नॉट पुट मनी इन मतलब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ ना बनाओ ना साइकियाट्रिस्ट बरखा दैट डिड एन इंटरव्यू विद सुशांत साइकियाट्रिस्ट And the shrink gave up all the like I so ये तो level India में discourse का कि doctor patient के सारे details public में बता रहा है yeah and there was also this Times Now या कोई तो Republic TV कोई तो पूरी Riya की phone list में से they got their phone records and no phone numbers के साथ दिखा रहे हैं and people started saying कि मतलब उसके friends को call करके मतलब ऐसे धमकियां मिल रही हैं कि उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया तो This is such a मतलब it's such a मतलब convoluted thing कि एक तो चलो Republic TV से मैं expect नहीं करता है लेकिन जो लोग देख रहे हैं और believe कर रहे हैं वो क्या है मतलब उनके दिमाग में क्या है ये like why are मतलब the people who you fucking you stupid loser you don't have a job right now and you are more worried about this thing मतलब मुझे समझ नहीं आता like क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में like हो क्या रहा है But with this thing, there's this thing of tacit agreement, right? Because we don't consider someone else's privacy as important. Because we don't even consider our own privacy as important. That is true. So, Riya Chakravarti ka phone mil gaya, to wo share karne mein kya bada baat hai? Matlab, this is the same, it goes back to the same thing, right? So, that when you have, say, a rumor of, okay, this was a girl who got molested in this area. Why do people share it in family WhatsApp groups? Because we don't... give a shit about someone else's privacy their right our right to privacy also we don't care about so this all boils down to that and if it's a Bollywood actress who is glamorous who is in a live-in relationship तो फिर तो मतलब तो फिर तो तुम्हारे पास मोमोज फ्रेंड ना मोमोज अथॉरिटी टू डू इट बेसिकली मोमोज फ्रेंड्स This is एक तो तुम लोग रोते हो ट्रायल बाय मीडिया बाकी केसेस में when it comes to Modi and all this but in this case एक पुलिस वाला I think someone who I think सुशांत के फैमिली की तरफ से was some lawyer or someone I don't remember who exactly it is that guy says she came up with this whole video for sympathy and she was wearing a very traditional dress which she wouldn't otherwise wear इसका मतलब है कि वो fake है emotion अरे ये मेनस्ट्रीम ओपिनियन है इस देश में देन यू गो अहेड एंड टॉक ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और या पता नहीं क्या क्या वो सब तो आई थिंक पता है पीपल प्रॉब्लम का जो प्राइवेसी वाला जो पॉइंट तुम लोगों ने बेटियां पढ़ गई ना तो प्रॉब्लम आएगी इनके लिए पढ़ाओ क्या आई मीन आई एम सॉरी पढ़ाओ जब हम बोलते तो मतलब होता है कि पास एग्जाम पास एग्जैक्टली हां वही वही आई हैव हर्ड माय ओन हम लोग वी डिड दिस इंडियन मैच मेकिंग थिंग लास्ट वीक राइट एंड Indian matchmaking ka the people are very real matlab they are those kind of people exist I have heard people in my family say this
आजकल शादियां नहीं होती हैं इतनी जल्दी बिकॉज गर्ल्स हैव इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है आजकल लड़की ढूंढने में दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्ल्स हैव बिकम मोर एजुकेटेड और आजकल ये लोग बहुत मुंह चलाते हैं. या मैन आई मीन दैट दैट द कैरेक्टर्स इन दैट शो आर and the media knows this right when an Arnab Goswami or Rahul Shivshankar is running this ki gold digger wala narrative he knows that okay a certain persona makes that girl more vulnerable because people will be more accepting of any slight at her. Yeah, matlab you can use that as an excuse but tumhe agar tumhare kuch bhi bol diya to then matlab offend. In this case there is this tacit agreement between the audience and it's not that the audience doesn't want to see a conspiracy. It is because it goes so well with everything that they believe in. Yeah. A westernized woman is obviously going to be this. Same thing na apne society mein ye wo kya friend zone kar diya and all that. Haan, which is arre, right. Indian, yeah. Right? Yeah. It is because you don't want to see that the other person can have उनका भी विल कुछ हो सकता है. एंड दिस फ्रेंड जोन थिंग अगेन कुछ लोग आके उसमें भी नॉट ऑल मैन एंड यू नो मैन आल्सो डू दैट टू गर्ल्स और व्हाटएवर इट्स नॉट लाइक दैट इट्स वो जो होता है वो सही होता है एंड इट हैपेंस फॉर अ रीजन बट जस्ट टू बट देयर इज नो इंट्रोस्पेक्शन या यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट एंड दैट्स व्हाई टू ब्लेम द अदर बेसिकली आई थिंक एंड लॉन्ग बैक वी डिड एन एपिसोड ऑन स्टेम एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ वी लुक एट and we even talked today right that how we look at STEM education yeah or education of any kind as a means to an end and the end is to earning decent money ultimately I think as a whole we as a society lack thinking beyond a level and that is why the thing like privacy wali baat right because we cannot in our mind create this idea that agar mera sara data publicly available hai to they can basically create like just a job like youtube matlab jo amazon ya marketing companies karti hai right this product is something that you like because they have this analytics data on you they can kind of make that decision ye itna sochna I don't know itna humne nahi socha somehow yeah nahi uska bhi ek answer milta hai na कि आने दो ऐड हम नहीं लेंगे या फिर हमारे पास कुछ है नहीं छुपाने के लिए. हाँ, कुछ छुपाने के लिए नहीं है क्या क्या जरूर क्या हो जाएगा हमारे पास कुछ होगा छुपाने के लिए इसलिए लोग यही बोलते हैं ना कि इनके ये जो चाहते हैं उनको उनके पास कुछ छुपाने के लिए हमारे पास क्या है छुपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं छुपाने के लिए बिकॉज इवन लाइक फॉर एग्जाम्पल जो करप्शन होता है लाइक डे टू डे करप्शन घूस देना वूस देना भी वो हमने हम एटलीस्ट हमारे अंकल वाले जनरेशन ने डैड अंकल वाले जनरेशन ने उसको इतना ऑफलाइन कर दिया कि उनको नहीं लगता कि ये चीजें कभी भी लाइक पीपल अंडरस्टैंड यहाँ मतलब दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है. और खैर आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड प्राइवेसी बट दिस इज बेसिकली ऑल लाइक ये दिस होल सुशांत सिंह रिया केस टेल्स मी हाउ मार्केटिंग वर्क्स लाइक दिस वुड हैव बीन नथिंग इफ दिस हैड हैपेंड लाइक एक साल पहले अभी मतलब सो टाइम्स नाउ वाज डूइंग दिस बुलशिट थिंग अगेन कि वी हैव एक्सेस्ड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाटएवर इन दिस केस. अब ये तुम 6 बजे से तुमने ट्वीट करना शुरू कर दिया एंड यू आर सेइंग कि इट विल मतलब दिस केस इज गोइंग टू एक्सप्लोड आफ्टर आवर एक्सपोजे एंड दिस एंड दैट तो अभी बता दो ना मतलब इतना करके तुम मतलब 8:01 पे क्यों बता रहे हो लाइक व्हाई यू सेंसेशनलाइजिंग दिस भाई वो वही है ना वो सब वही कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा वाली बात है ना वहां पे मूवी खत्म कर देते हो तो फिर आदमी सेकंड मूवी लेकिन ये मतलब कितने नाइव तो हो जाते हैं लोग. एग्जैक्टली तो इट वर्क्स बोथ वेज इट्स नॉट लाइक कि दीस पीपल आर जस्ट फूलिंग द पीपल मतलब दे आर गेटिंग फूल्ड फॉर अ रीजन पीपल वांट टू लाइक एंड गोइंग बैक टू द इनिशियल टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाइक अयोध्या लोगों को नहीं पता क्या कि कोविड है लोगों को नहीं पता क्या कि इकोनॉमी डाउन जा रही है लोगों को पता है लेकिन अल्टीमेटली दे हैव प्रायोरिटाइज दिस थिंग बिकॉज सम लाइक इमोशंस अल्टीमेटली मोदी वही करेगा या कांग्रेस या सारी पार्टीज इंसेंटिव इट्स ऑल अबाउट इंसेंटिव एंड द इंसेंटिव इज देयर इफ यू एक्ट लाइक दिस एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर आई गेस ऑन ट्विटर एक भक्त के साथ आई वाज जस्ट
ट्राइंग टू आउट हिंदू द हिंदू. तो मैंने उसको पूछा कि अगर घर पे कोई अगर से समवन पासेस अवे एंड वुड यू सेलिब्रेट लाइक दिवाली इन द मिडल ऑफ दैट, लाइक इफ दिवाली और समथिंग हैपेंस टू फॉल, डू वी डू दैट जनरली? मतलब इवन तुम हिंदू कल्चर के हिसाब से देख लो, तुम करते हो क्या? नहीं करते हो ना, 13-14 दिन के लिए तो ये करते, मॉर्निंग होता है, जो भी होता है उस साल में, फंक्शन फेस्टिवल नहीं होता, फेस्टिविटीज तो नहीं होता है. तो व्हाई इज इट दैट इन द मिडल ऑफ अ पेंडेमिक यू नीड फेस्टिविटीज व्हेन पीपल आर एक्चुअली डाइंग? पीपल आर डाइंग, या योर फेलो हिंदूज आर डाइंग, थाउजेंड्स ऑफ देम एवरी डे. तो भाई साहब बोलता है वी मूव, हिंदूइज्म इज अ मॉडर्न रिलीजन, वी इट इज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मतलब श्रोडिंगर रिलीजन साला, मतलब पुराने में भी सब कुछ था लेकिन मॉडर्न भी है. लेकिन तुम 500 साल पहले का बदला आज ले सकते हो लेकिन तुम मॉडर्न हो. मैं तो भाई, मैं कभी कभी भक्तों को मैं ये भी बोल चुका हूँ कि साले अगर तेरे को लगता है ना कि लाइक इवन आफ्टर बीइंग लाइक 80-20 मेजोरिटी इन योर कंट्री, इफ यू आर स्टिल अंडर, फील अंडर अटैक, देन यू फकिंग डिजर्व इट, यू लूजर. नो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ फिक्शनल थ्रेट. That fire can always continue burning. And with that, we will wrap today's episode. फिर से वही होगा. We didn't start the fire. I know who did.